सो आप दोनों में से किसका एक्सपीरियंस बेटर था? आप दोनों में से किसने सही से अच्छे से फीलिंग्स की, महसूस की, किसने सबसे अच्छे से उन्हें एक्सप्रेस किया और किसने एंटिटीज के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की? और इसका जवाब सिर्फ हमारे पास है। एंड द विनर इज MTV Dark Scroll सीजन फिनाले, फर्स्ट सीजन, फर्स्ट स्टेप ऑफ MTV Dark Scroll, द विनर इज। धक-धक भी हो रही है, एंजाइटी भी हो रही है, खुशी भी हो रही है, फाइनलिस्ट भी हूँ, ये भी लग रहा है कि पार्थ मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, पर फिर हाँ जीत तो जीत होती है, ऐसा लग रहा है कि जीत भी जाऊँ, वो टाइटल वो भी मिले, बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ। मेरा हार्ट बीट आई कुड फील इट कि ऊपर जा रहा था, आई कुड फील वो टिंग टिंग मेरे को सुनाई दे रही थी, बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट आई रियली वॉन्टेड। मैं स्टार्ट से एक ही चीज़ बोला है, मैंने अपने डेयर के बाद भी एक ही चीज़ बोला, आई एम योर टू विन, तो आई रियली वॉन्टेड टू विन। पार्थ, जब सर ने बोला कि यू हैव वन, आई वॉज जस्ट शिवरिंग, आई डिड नॉट नो हाउ टू टेक इट ऑल इन, आई डिड नॉट नो इसको मैं सोक कैसे करूँ, इसको मैं डाइजेस्ट कैसे करूँ। जब पार्थ जीता तो बहुत खुशी भी हुई, ऐसा लगा कि चलो सोचा हुआ था स्टार्टिंग से कि अगर टॉप टू हो तो एक वो हो एक मैं हूँ, और वही हुआ। थोड़ा बुरा भी लगा कि काश जीत जाता। I felt very proud of him and I felt like yaar shit kaash main udhar hoti, but I know he deserves it. Parth, aapka experience bahut 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 acha tha, kafi structured tha, aapki feelings bahut definite thi, and I could see that the entities were also communicating with you. Aapne apne aap ko itne acche se open kar diya tha, you were communicating with the entities, aur hum sabko जो बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और मैं भी बहुत प्रभावित हुआ कि किस किस कामनेस से, क्लैरिटी से आप अपनी फीलिंग्स और आपके साथ जो चीज़ें हो रही थी, आप जो महसूस कर रहे थे, आप वो हमें भी रिले कर रहे थे, आप एंटिटीज के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे थे। आई कैन हियर समथिंग लाइक सुनो, यस आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, अगर कुछ कहना है आप प्लीज कहिए। वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी काम, वेरी डेफिनेट, वेरी इंटेंटफुल, मुझे यकीन नहीं हो रहा पर ये सच है। आपकी जो जर्नी रही है इन हफ्तों में, आप जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं, मुझे लगता है जो इनकी सोसाइटी है, आपको जरूर एक एक इनवाइट जरूर आएगा। साहिल, yes, sir. आप ने भी बहुत सच्चाई से किया, सब कुछ अच्छे से किया, पर मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं रास्ता भटक गए। हो सकता है, मुझे ऐसा लगा शायद आप थक गए थे। बहुत कम एनर्जी लग रही है, बहुत कम, ऐसा लगा पूरा शरीर में कोई एनर्जी चूस गया हो मेरी। हाँ सर, बहुत एनर्जी भी बहुत नीचे आई थी, पता नहीं क्यों। पर यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। हाँ सर, आपकी जो ये जर्नी रही है बहुत अमेजिंग रही है। आप एक क्वेश्चन मार्क लेके आए थे एज अ सीकर, मुझे ऐसा लगता है, आई होप वो क्वेश्चन मार्क हट गया हो। बिल्कुल सर, आई विश यू द बेस्ट आने वाले जिंदगी में। नाउ इट्स टाइम टू गिव यू द ट्रॉफी, पार्थ। थैंक यू सो मच सर। ये देखना कि वो ट्रॉफी मेरे सामने से आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, पर मेरे हाथों में नहीं है, पार्थ के हाथों में। वो कहते हैं ना कि खुद फेल हो जाओ तो इतना बुरा लगता है, पर दोस्त टॉप मार जाए तो ज़्यादा बुरा लगता है, वही वाली फीलिंग थी। ये MTV डार्क स्क्रॉल की तरफ से विनर को 5 लाख भेजिए। मैं एक सेकंड में भाग जाऊं। 5 लाख का प्राइस मनी है, पार्थ, यू श्योरली डिजर्व दिस। सर थैंक यू सो मच। यू डोंट हैव टू थैंक मी, यू डोंट हैव टू थैंक मी।